नमस्कार मुझ राजेश आपको स्वागत करुच्छे आईने 24 न्यूज को जो आने प्रतिदिन प्रति समय किसी नुआ नुआ खबर और अपडेट पाई। महांगा मर्डर मामला को नहीं राज्य राजनीति सरगरम, जहाँफल अड़ुआ पड़ते राज्य सरकार उभय बीजेपी और कांग्रेस राज्य सरकार को करुछंती टार्गेट, जहाँफल जन असंतोष बढ़िवार लगी। कारण यही हत्या मामलार एतलार रही मंत्री प्रताप जेना ना मंत्री ना एपरी संगीन अभियोग आनी मृत कूलमणि पुओ, जहाँ नवीन सरकार को आहरी अड़ुआ पक। सूचना अच्छी कि निकटने आईन मंत्री विधानसभा अंचल बीजेपी वरिष्ठ नेता कूलमणि और सहयोगी को निर्मम भाव हत्या करा सीधा बीजेडी नेता विरोध में अभियोग उठी, एपरिक मंत्री ना भी उठी। यही अभियोग ही घटना को बेसी विवादीय कर दी, जहाँकि राज्य राजनीति में चर्चार विषय पलटि। अपरपक्षे बीजेपी जड़े पर जड़े बड़ नेता महांगा जाए सरकार को टार्गेट कर चलते। सेपटे दुई दिन तले कांग्रेस टीजीपी ऑफिस घेरी आईन श्रृंखला विपर्जय होता अभियोग हो हल्ला करते बीजेपी भी से ही रास्ता आग को पड़ी। पुलिस डीजी कार्यालय आगे विक्षोभ हो मंत्री और सहयोगी को तदंत परिसर को आने को पड़ी बसला दल। बेस किसी समय यही प्रसंग को नहीं हट्टगोल होता, तेरे बाध्य डीजी को घटना तदंत शेष करने को 10 दिन महलत नेबाक होता। महांगारे जो भाई भाव विभत्सतार सह दुई मुंड गड़ा से प्रताप ना उठिला, तेणु मंत्रिमंडल से विदा हूँ यह ही विरोधों बड़ दाबी रही, जहाँफल मंत्री प्रतापों पर सरकार भावमूर्ति मलिन होबार लगी। तेबे यह ही एक घंटार ब्रेकिंग न्यूज, आशा करुच्छे न्यूजटी आपको अत्यंत भल लगे। यहीपर इंटरेस्टिंग न्यूज जानापी हेल्ले आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ और नोटिफिकेशन बेल को दबाई दिंतु और फेसबुक पेज को जातु आईने 24 न्यूज सर्च करी। एवं ही आम पेज को लाइक करूँ। रोचु, नमस्कार।